नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला चंबा के रठियार क्षेत्र के जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस 34 वर्षीय व्यक्ति की शिनाख्त पवन कुमार पुत्र रावण निवासी गांव भलोली रठियार के तौर पर हुई है। शनिवार को जब ग्रामीण गांव के साथ लगते जंगल में जलाने के लिए लकड़ियां लाने गए थे, अचानक उन्हें जंगल में एक कंकाल दिखाई दिया, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान कपड़ों और जूतों से कंकाल की पहचान की गई। यह युवक लगभग 2.5 साल से लापता था। यह युवक भेड़ बकरियां चराता था और मजदूरी करता था। इसके चलते वह कई महीनों तक घर से बाहर रहता था, लेकिन फिर घर वापस लौट आता था। लेकिन अभी वह करीबन 2.5 साल से घर नहीं लौटा था। अब उसका कंकाल बरामद हुआ है। मैं सुनील कुमार, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रठियार। आज हमारे यहाँ सुबह जो हमारी रठियार पंचायत में गाँव पड़ता है भलोली, वहाँ से दो लड़के जो है लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे सुबह के वक्त। तो उन्हें जो एक वहाँ पे नर कंकाल मिला, जो कि हमारे पंचायत के गांव भलोड़ी का एक लड़का पवन कुमार, जो कि कम से कम 2.5 वर्ष पहले घर से कहीं चला गया था, और जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो उन्होंने वो उसके जो रिश्तेदारी लगते थे, तो जब उन्होंने उसके कपड़े वगैरह देखे और चप्पल वगैरह जो उसने पहनी थी, तो उसे मालूम हुआ कि ये जो कपड़े और जो चप्पलें हैं ये इसी लड़के की, पवन कुमार की। तो इसके बारे में हमें पुलिस चौकी सुल्तानपुर को सूचना दी और पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची और उसकी डेड बॉडी को, जो उसके कंगाल वगैरह थे और कपड़े वगैरह, उनको लेके जो अभी चंबा हॉस्पिटल यहाँ पहुँचे हैं और इसका भी पोस्टमार्टम होने के बाद जो इसको घर ले जाएंगे।